तो गाइस वेलकम टू माय अदर व्लॉग और मैं लेने निकली हूँ सामान और मेरी गाड़ी किसी ने पार्क की चाबी लेकर और उसने लाइट्स ऑन कर दी बाकी बिल्कुल खत्म हो गई है और वो लाइक करे जा रहे हैं। कैसे लाइक करेंगे बेटा, अभी हमारा मोए हो गया है, अब हमें जाना पड़ेगा रक्षा हो गया अब हम लोग जाएंगे रक्षा में क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं गाड़ी स्टार्ट। एक बार फिर करके देख लेते हैं, शायद आप लोगों को लिया है मैंने साथ, शायद कुछ हो जाए। नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो इतना कुछ सिस्टम पता भी नहीं है गाड़ियों का। ABS लाइट जल गई है इसमें और ये वो फलाना धमाका, पता नहीं क्या क्या हो गया, आई डोंट नो। तो अब बस इसको बंद करेंगे और मुझे लग रहा है किसी ने ना इसको लॉक करके और इंजन अब हो गई है ये बंद। अब हम उतरेंगे और रक्षा में जाएंगे इज्जत के साथ, जैसे कि आधी आवाम जाती है और फिर जाके सौदा लेके आएंगे। मतलब क्या जिंदगी हो गई है यार हमारी, व्हाट इज दिस। चलो अरे लड़के, तो भाई हम लोग बैठ चुके हैं रक्षा में और रक्षा में हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल पर और रक्षा में बैठने का भी अपना एक मज़ा आता है। जब रक्षा में लगते हैं झटके धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अंदर का सब कुछ सिस्टम हिलने लगता है, मतलब जो भी खाया होता है सब एक जगह पर एडजस्ट हो जाता है। तो अब देखिए इंसान की मजबूरी है, गाड़ी है, गाड़ी कभी भी ख़राब हो सकती है, तो आप कभी भी ना शर्माएं जिंदगी में जाने में, बस में जाने में, रक्षा में जाने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ सफ़र ही करना है। मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई है, मुझे लग रहा है पूरा रमज़ान मेरी तबीयत ख़राब ही रहेगी। तो मैं जा रही हूँ चीज़ें लेने के लिए और ये मेरे साथ आ गए चिप्स विप्स ये वो, कभी हम जाते हैं कहीं पहुँचते तो आप लोगों को। तो जी उसके बाद मैं गई बेकरी, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली जो जो मुझे चाहिए थी और आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं भूल गई थी। खैर उसके बाद जब चीज़ें वगैरह हमने ले ली फिर हम निकले। उसके बाद हम गए फलों की दुकान पे, जो कि फल इतने महंगे होकर नायाब हो गए जैसे कि लग रहा था सारी मतलब कमाई अंकल आज ही कर लेंगे। तो मैं तो महंगाई देख के मेरे तो कान खड़े हो गए क्योंकि मैंने कहा उफ अल्लाह माई गॉड उफ। फिर खैर सब्ज़ी वगैरह, सब्ज़ी कह रही हूँ, फ्रूट वगैरह लिया। फिर घर जुम्मा मुबारक आप लोगों को, रमज़ान का पहला जुम्मा है और इस वक्त अब हमारे बच्चे नहाएंगे। ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है बच्चों, बच्चे बच्चे पागलों की तरह लड़ रहे हैं हगी बगी पे। उई हुई मार रहे हो तुम भाई को, इडियट। बाबा इसको बताएंगे, आप टेंशन नहीं लो, सही है। और अभी परवीन वॉशरूम साफ कर रही है, वॉशरूम साफ हो जाए तो फिर नहाएंगे। और रहमान ने जो आज हरकत की है सबको बता दूं मैं यहाँ पे, बता दूं सब, पूरे दुनिया देखेगी व्लॉग, बता दूं। हाँ बोलो ना, बता दूं या नहीं। ये जो है ना इतना समझ गए आप लोग, ये आप खेल लो। तो बस अभी चादर वगैरह बिछेगी बैठ के, हम लोग सफाइयाँ वगैरह करेंगे। और मैंने आज की आधी तैयारी कल ही कर ली थी और गैस तो आती नहीं है, 3 बजे गैस आती है। अब जब 3 बजे गैस आएगी तो सारे काम शुरू होंगे, जब तक 3 बजे तक हम नहाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, रेडी होंगे। और जो आज का मेरा आउटफिट है वो है ये वाला टंटन सीन है ना गाइस। अभी मैं इसको पूरी तरह खोल कर दिखाती हूँ, क्या मसला है, लड़ने से बाज नहीं आओगे। तो जी कपड़े हम लोगों के रेडी हो गए, प्रेस भी हो गए और मेरा फिट है ये देखें कितना खूबसूरत सिला हुआ है। और ये मेरे झुमके हैं इसके साथ बहुत प्यारे से, ये देखें। और वो है रहमान का सूट, वो है रोहान का सूट। और रोहान इस वक्त जो कर रहे हैं वो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नज़र आ गया होगा। वो उनके मशगले यही हैं, वो यही करते रहते हैं। क्या कर रहे हो तुम, नोनो मेमे, मेमे नहला रहे हो, चलो नहला लो। वो मेमे को नहला रहा है और बस अब हम लोग रेडी होंगे, रेडी होकर हम आप लोगों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद आज
इफ्तारी की बहुत सारी तैयारी करनी है और गैस अभी तक नहीं आई है। जैसे ही मैं नहा लेती हूँ, नमाज भी पढ़ ली है मुझे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है गाइस, अभी हम बनाने कोशिश में हैं समोसे, और मैं ट्राई कर रही हूँ और मेरे साथ सानिया हेल्प करा रही है, पर पता नहीं आप देखो क्या बनेगा, आई डोंट नो कि क्या बनेगा क्या नहीं, बट फिर भी मैंने देखे कितने अच्छे चावल बनाए हैं चलो बहुत अच्छे बनाए। और अभी मैं पूरे बनाऊँगी, और आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मीठे दही बड़े बनाए हैं, और क्या बनाया है, चाट बनाया है, छोले बनाए हैं, और अभी मैं बनाऊंगी चिकन के वो बनाऊंगी। हम क्या खाते कबाब जी इसमें? नहीं नहीं जो हम स्टार्टर में मंगाते हैं, चिकन फ्राई, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, बस कुछ बनेगा ही, अभी रुक जाओ सब्र करो। और इतना कम मसाला डाल दिया, तो जी ये है आज की मेरी पूरी इफ्तारी, मैंने ये सब कुछ बनाया है। और जो बात है रैप ने खुद बनाया है, तो फिर कौन कौन बनाएगा? नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि शायद वो समझे कि बाहर से लेकर आएगा, तो रैप ने खुद बनाया, बहुत मेहनत की है। और दिखा मैं इसलिए नहीं सकी किचन में क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, इतना सारा बिजी थी। थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, एक वीडियो बनी है टिकटॉक पे, मुझे आके देखिएगा, उसके अंदर मैं किचन में काम ही कर रही हूँ, किचन बहुत मैस हुआ हुआ था तो इसीलिए हमने ज़्यादा बनाया नहीं, लेकिन थोड़ा हमने बनाया है। तो हाँ हो सकता है हम लोग अभी मतलब। अच्छा वैसे ये बताओ सबसे पहले, मैं आ गया हूँ तो तुम कैसा फील कर रही हो? अच्छा फील कर रही हो, नहीं कर रही हो, ये बताओ। अब ये तो मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे और मेरे दोस्त बताएंगे कि मेरे 2-3 दिन के चेहरे में आज के चेहरे में कुछ फर्क है। और वैसे ही वैसे तुम्हारी तबियत खराब हो गई, जब तुम रोई थी ना वीडियो में, वो मुझे यहाँ लगी थी दिल में, समझे तुम? हाँ रोया नहीं करो पागल बेवकूफ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए। तो उसका मतलब क्या, रोगी? हाँ जान, मैं तुम्हारे बगल नहीं रह सकती। आई लव यू टू। तो इसी हम लोगों ने ये सब अफ्तारी वगैरह बनाई है, बस अब अफ्तार का वक्त होने ही वाला है। हाँ। तो अब देखते हैं अली को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। मैं अभी जब अली खाएगा बनानी मेरे अकेले के लिए, पहले बताओ ये अकेला बंदा खाएगा? नहीं अभी जब तुम खाओगे तो बताना सही है क्या क्या सब। और दूसरा गाइस के आप लोग मेरे घर से रैप को काफी कमेंट करते हैं कि शूट आउट वगैरह के, तो आप अपने नाम बताएंगे तो करेंगे ना। मेरे घर से एक तैयब है वो है, और तैयब अली प्यार का दुश्मन तो नहीं है ये। और दूसरा भाई हमारी छोटी सी फैमिली है तो माशाल्लाह कह दिया करें, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अपनी फैमिली बहुत खुश है, और अल्लाह पाक आप लोग भी खुश रखे, आपके अफ्तार रमजान सहरी सब बहुत अच्छी गुजारे और आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारे, आप लोग भी सब खुश रहे अपने फैमिली के साथ। रमजान जो है ना फैमिली के साथ ही होता है, अपने बीवी बच्चों के साथ ही, चाहे आपके पास आप कहीं भी चले जाओ, बट जो सुकून जो मजा अपने घर का है ना, अपने बीवी बच्चों के साथ अफ्तार का है, तो कहीं भी नहीं है। अब्दुलरहमान केचप लेकर आओ फ्रिज से, रमजान लगते ही नहीं है आपको कि रमजान है। और तुमने मेरे लिए एक हरी चटनी भी पीसी थी तुमने, कहा हाँ हाँ हरी चटनी कहाँ है वो वाली, वो अभी सब आ जाता है। और अभी हम लोग जब अली अफ्तार करेगा ना, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो भी मैं व्लॉग में लूँगी, सही है? ओके क्या सच बताना, तो देर बाद मिलते हैं। सब भी अच्छा होगा, तुमने बनाया तो मैं भी अच्छा ही बनाती हूँ। चलो तो जी कैसा लगा आपको सब कुछ? सबसे आला जो तुमने बनाया ना वो तुमने बनाया था समोसे, अच्छा जो बहुत ही जबरदस्त है, ये समोसे जो है ना तुमने बहुत जबरदस्त बनाया, नो डाउट अच्छे लगे। और ये जो ना, हाँ यानी तुमने कबाब जी से सीखा है हाँ। ना लेकिन जो बात है तुमने कसम से बनाए उनसे भी अच्छे हाँ। जो बात है मैं जान, तुमने इतना सब कुछ छोड़ दिया है, तुमने वो नहीं खाया है अभी तक, दही बड़े में फ्रूट नहीं खाए, तो देर बाद खाओगे? हाँ क्योंकि मेरा हो गया पेट फुल, अफ्तारी के बाद ज़्यादा खाया भी नहीं था ना। हाँ ये तो है, और मैंने तो सिर्फ जूस पिया और थोड़ा सा खाया है क्योंकि मेरी तबीयत भी वैसे भी सही नहीं है, और वैसे मैं दिल भी नहीं कर रहा, और तुमने मेरी बूंदियाँ भी नहीं खाई हैं, अभी भी खाई है, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने खाई तुम्हारी बूंदियाँ। अच्छा सही है, ये चटनी तुमने बहुत आला बनाई है, है ना? नो डाउट, बहुत मेहनत लगी है इस चटनी में मेरी भैया, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। हाँ मेरी जान खा लो। तो गाइज इसी के साथ साथ मैं अपना ये व्लॉग खत्म कर रही हूँ, ठीक है।